हेलो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने ए और ओ ये मात्राएं पढ़ ली है। लिखना आज है ये औ। क्या बोलते हैं इसको? औ। औ से औरत, औ से औजार। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखोगे। पहले अ की तरह लिखना है इसको, स्लीपिंग, देन स्टैंडिंग, देन स्टैंडिंग, और इस पे दो मात्रा आपको लगा दानी है। ये बन गया औ। ठीक है, औ से होता है औरत। इसको सारा आप फिल करोगे, यहाँ पर भी फिल करना है। और ये जो है चित्र पहचाने और उसके नाम का पहला अक्षर पर लिखें। ठीक है, तो ये क्या है? ए से एड़ी, तो ए लिखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? औ से औरत, तो यहाँ पे औ लिखेंगे। और ये क्या है? ओ से ओस। ठीक है, समझ आया? तो ये आप इसको ऐसे फिल करेंगे। अब है आपका अंग। अंग से क्या होता है? अंगूर। और अंग से अंडा, तो इसे आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है। अ की तरह आपको इसको लिखना है और इसके ऊपर एक डॉट लगाना है। ठीक है, ये बन गया अंग। अंग, ठीक है, अंग से अंडा। ठीक है, चित्रों को पहचान कर सही अक्षर पर गोला लगाएं। ठीक है, तो ऊ से ऊन, ओ से ओखली। किससे होता है ऊन? ऊ से, और ओखली किससे होता है? ओ से। ठीक है, और ये लास्ट है आपका अह। अह क्या होता है? खाली। ठीक है, अह खाली। ठीक है, तो इसको आप भी ऐसे ही लिखोगे, अ की तरह ही लिखना है सेम। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये अह खाली होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ऐसे ही आपको अ की तरह लिखना है और पीछे दो सर्कल कर देने हैं, और यहां पर भी आप इसको फिल करोगे। ठीक है बच्चों, ये आपका अह तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अह अक्षरों को ढूंढकर उन पर सही का निशान लगाओ। अब अह अह कहाँ पर लिखा है? उस पर सही का निशान लगाना है आपने। ठीक है, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये अह है। ठीक है बच्चों, इसको आप पूरा कर लोगे। ठीक है, आपको अ से और अह तक टोटल लिखना अब आ जाना चाहिए। थैंक यू।